कुछ दिनों पहले मैं किसी से मिली आई वॉज सो हैप्पी कि मेरे चैनल पे अस्सी हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए हैं अंटिल द मोमेंट आई गॉट टू नो कि उस इंसान के एट हंड्रेड के सब्सक्राइबर्स हैं अब मेरी खुशी छो मंतर हो गई इट हैपन्स टू द बेस्ट ऑफ अस इस सिचुएशन में हमें दो चीज़ें याद रखने की जरूरत है कि देर विल ऑलवेज बी अ बिगर फिश इन द मार्केट नो मैटर हाउ गुड यू आर एट समथिंग बट कोई ना कोई होगा जो उस चीज़ को आपसे बेहतर कर रहा होगा दूसरी चीज़ कई बार हमें दूसरे की सफलता देखकर जलन नहीं होती बल्कि हमें अपने लिए बुरा लगता है कि हम उतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हैं और ये कंपेरिज़न हमारे सिर पर इतना हावी हो जाता है कि हम अपना काम ही नहीं कर पाते हैं उस सिचुएशन से डील करने के लिए अगर आपको कंपेरिज़न हो रहा है तो मैं क्या करती थी कि सामने कोई भी इंसान है अगर मैं कंपैरिजन वाले जोन में जा रही हूँ तो मैं शांति से उस इंसान को ब्लेस करती थी कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं आई नो कि आपको यहाँ तक आने के लिए बहुत कंसिस्टेंसी बहुत मेहनत लगी होगी तो आपके जो भी एस्पिरेशन्स हैं आप सब फुलफ़िल करें आपको बहुत ज़्यादा मिले इससे मैंने अपनी कंपेरिजन वाली सिचुएशन जेलसी वाले पार्ट से खुद को शिफ्ट करके अपनी एनर्जी को शिफ्ट करके ब्लेसिंग वाले मूड में ले आई